हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कैसे घर पर बने हेयर मास्क से आप अपने बाल को नेचुरली स्ट्रेट, स्मूथ और शाइनी बना सकते हैं। हम पार्लर जाकर भी अपने बाल स्ट्रेट करवा सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम भी बहुत लगता है और पैसे भी। कई बार स्ट्रेटनिंग प्रोसेस के दौरान केमिकल से हमारे बाल खराब भी हो जाते हैं और वो डैमेज हो जाते हैं। पार्लर से ट्रीटमेंट करवाते हुए बाल स्ट्रेट परमानेंट नहीं रहते। ये मास्क आपके डैमेज हुए बालों को भी ठीक कर देगा। इस स्ट्रेटनिंग क्रीम से आपके बालों की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी और आपके बाल होंगे मजबूत और चमकदार। तो फ्रेंड्स, आइए जाने इसका प्रोसेस। सबसे पहले हम जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमें चाहिए एक पाली वाला नारियल। कोकोनट मिल्क हमारे बालों को नेचुरली स्ट्रेट करता है और हेयर स्कैल्प को हाइड्रेट रखने के साथ साथ उन्हें जड़ों से मजबूत बनाता है। एक ग्लास कच्चा दूध। कच्चा दूध बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और उन्हें सॉफ्ट और सिल्की बनाता है। 2 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा से भरपूर मात्रा में अमीनो एसिड और प्रोटीन होता है जो बालों के लिए बहुत लाभकारी है। 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर स्कैल्प से एक्सेस ऑयल रिमूव करता है। कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच कस्टर्ड ऑयल, या अगर आपको कस्टर्ड ऑयल ना मिले तो नारियल का तेल या ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। कस्टर्ड ऑयल बालों को झड़ने से रोकता है और ग्रोथ में हेल्प करता है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस हेयर क्रीम को बनाने का तरीका। इसके लिए सबसे पहले जो आपने एक नारियल लिया है उसको तोड़ के उसके बाहर का छिलका उतार दें और अंदर वाली जो नारियल की गिरी जिसको कहते हैं उसको ले लें। इसको एक मिक्सर में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। इस मिक्सचर को एक कटोरी में निकाल लें। अब फ्रेंड्स, एक छानी की मदद से आप इस मिक्सचर में से चम्मच से दबाकर दूध निकाल लें, जिसको हम नारियल का दूध कहते हैं। यह करीब 1 कप के आसपास निकल आएगा। इसके बाद एक कढ़ाई लीजिए, उसको गैस पर रखिए। उसमें 1 ग्लास जो हमने कच्चा दूध लिया था उसको बॉईल कीजिए। जब यह दूध बॉईल हो जाए तो इसमें जो हमने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है उसको मिक्स करें। अच्छी तरह मिक्स कर दें, इसको चलाते रहें। ध्यान रखें इसमें कोई भी बॉल्स या गिल्टियाँ ना बनने पाए। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए और हमारा मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो इसमें हमने जो नारियल का दूध निकाल के रखा था वो निकाल कर मिक्स कर दें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, इसको चलाते रहें और 2 मिनट तक इसको अच्छी तरह से गैस पर ऑन रखें। अब ये हमारा मिक्सचर बन के तैयार हो गया है। इसको ठंडा करने के लिए एक साइड पे एक बर्तन में रख दें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच कोई भी ऑयल जैसे कस्टर्ड ऑयल या नारियल का तेल मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब यह हमारी क्रीम बनकर तैयार हो गई है। अब हम आपको बताते हैं इस क्रीम को बालों पर लगाने का तरीका। इसके लिए पहले पीछे से लेते हुए एक बालों की स्ट्रैंड को आगे ले आएं और उस पर अच्छे से क्रीम को लगा लें। इस बालों को कान के पीछे से लाकर सिर पर आगे की तरफ से हेयर बैंड की तरह आगे रखकर पिनअप कर लें। इससे आपके बाल एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। इसी तरह से बाकी बालों पर भी एक एक स्ट्रैंड लेकर उसको अप्लाई करें। सारे बालों को धीरे धीरे पिन की मदद से सिक्योर कर लें और इनको इकट्ठा कर लें। अब एक साफ टॉवल या कपड़े से अपने बालों को ढक लें और इस क्रीम को अपने बालों पर 2 घंटे तक लगा रहने दें। इसके बाद ताज़े पानी से अपने सिर को धो लें। अगर आप चाहते हैं, अगर आप शैम्पू यूज़ करना चाहते हैं तो कोई माइल्ड सा ही शैम्पू यूज़ करें। इसके एक ही इस्तेमाल से आपके बाल स्मूथ, सिल्की और स्ट्रेट हो जाएंगे। बालों को परमानेंटली अगर आप स्ट्रेट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, आपको ये हेयर क्रीम, ये हेयर मास्क हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करना होगा। आपके बालों का जो टेक्सचर है उस पर भी ये बात डिपेंड करती है कि ये आपकी क्रीम आपके बालों को कितनी जल्दी स्ट्रेट करती है। जैसे कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं तो ये ट्रीटमेंट आपका थोड़ा लंबा चलेगा, आपके बालों को स्ट्रेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपके बाल सिर्फ थोड़े से वेवी ही हैं तो 1-2 बार वॉश करने से ही आपको पता चल जाएगा कि आपके बालों पर इनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है।
दोस्तों हमारा ये हेयर मास्क, हमारी ये हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो भी हमें कमेंट्स में से बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।